तो हम मैं ये कह रहा था कि अगर इस प्रोसेस में क्वेश्चन में दे रखा है कंबशन ऑफ मिथेन में, वो कह रहे हैं कि हमारे को इंटरनल एनर्जी का चेंज कितना दे रखा है, माइनस एक्स किलो जूल पर मोल। ठीक है, वो कह रहे हैं डेल्टा एच की वैल्यू बताओ। तो तुम्हें क्वेश्चन, तुम्हें पता है डेल्टा एच और डेल्टा यू का एक ही रिलेशन है, वो है डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस आर टी। रिएक्शन में हमेशा ये वाला लगाना है, डेरिवेशन में पीवी वाला लगाते हैं बहुत बार, पर जब हम रिएक्शन करते हैं तो हम डेल्टा एन जी वाला लगाते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इस प्रोसेस में डेल्टा एन जी निकालूं, देखो प्रतिभा गैस इन के मोल्स कितने चेंज हो रहे हैं देखने हैं। तो सीओ टू इस प्रोसेस में गैस है, सीओ टू क्या है गैस, एच टू इस प्रोसेस में गैस है, सी एच फोर इज गैस, ओ टू इज अ गैस। अच्छा, सी एच टू, वैसे एच टू बनेगा लिक्विड, लिक्विड बन जाएगा हाँ, गैस टू पर तो वो बाद में स्टीम में कन्वर्ट होगा। तो अब हमारे पास ये कैसे रिएक्शन, बनेगा, पहले क्या चीज़, क्या बोल रहे हो, लिक्विड कैसे बनेगा, मतलब गैस नहीं होगा वो, वाटर वो वेपर। वाटर वेपर हीट की वजह से कन्वर्ट हो जाता है, पर इस प्रोसेस में तो वो लिक्विड ही बनेगा, स्टैंडर्ड स्टेट में बनेगा। स्टैंडर्ड मतलब स्टेट जैसे मुझे ऑब्वियसली यहाँ पे मिथेन कम्बस्ट हो रहा है तो हीट रिलीज हो रही है ना, यस तो सर, हीट रिलीज होने पर जो हीट निकलती है वो वाटर को लिक्विड टू क्या बना देगी, वाटर गैस, वेपर। हाँ वाटर वेपर। बट तो सर वो हमेशा अलग कंडक्शन रिएक्शन है, लाइन नहीं वो होती है, मतलब एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में आएगा। सर इसमें हमें स्टैंडर्ड स्टेट ही लेनी पड़ेगी उसकी। हाँ ठीक है, तो इस प्रोसेस में डेल्टा एन जी निकालते हैं, तो गैसेस मोल्स कितने हैं, रिएक्टेंट की कितने हैं वन, और प्रोडक्ट के कितने हैं वन प्रोडक्ट के, और ऋतिक रिएक्टेंट में कितने गैस हैं, एक दो ये और एक ये, दो और एक टोटल तीन, तो डेल्टा एन जी कितना आया माइनस। -2 तो अगर डेल्टा यू माइनस एक्स है प्लस आर टी डेल्टा एन जी, डेल्टा एन जी कितना हुआ -2। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ माइनस एक्स -2 RT बना, येस और नो, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा एच की रिलेशन डेल्टा यू से देखूँ, डेल्टा एच से डेल्टा यू क्या है, बड़ा या छोटा, डेल्टा एच छोटा डेल्टा यू से टू छोटा आर टी गुना छोटा है, मतलब इससे डेल्टा एच और डेल्टा यू में रिलेशन -2 RT, यानी कि डेल्टा एच डेल्टा यू से -2 RT छोटा है ना, तो इसका आंसर होना चाहिए डेल्टा एच इज लेस देन डेल्टा यू। समझ आया या रिपीट?